फायरबोल्ट आ चुका अपनी लेटेस्ट स्मार्ट वॉच के साथ। ये है फायरबोल्ट की डेजल, जो एक काफी स्लिम वॉच दिखती है। ये वॉच अमेजोन पे 1800 रुपीज में अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए यार जल्दी जल्दी अनबॉक्सिंग प्रोडक्ट की स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप का ये प्रोडक्ट है। ये है फायरबोल्ट की डेजल का बॉक्स, जहां पे आपको वॉच दिख रही है। सामने की तरफ शॉर्ट स्पोर्ट मोड है, विराट कोहली की हाईलाइट कुछ साइड में मेंशन है, अनदर साइड में भी की हाईलाइट मेंशन है। पीछे की तरफ आपको यहां पे मेन फीचर के साथ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल वगैरह नीचे की तरफ दी गई है, जहां पे प्राइसिंग मेंशन है 10,000 रुपये। सबसे पहले आपको मिलता है यूजर मैनुअल, देन एक चार्जिंग केबल मिल जाएगी, बार की तरह वाउचर्स वगैरह, एंड लास्ट में आपकी स्मार्ट वॉच ब्लैक कलर की। एक टिपिकल फायरबोल्ट की पैकेजिंग में आने वाली ये स्मार्ट वॉच आपको काफी स्लिम दिखेगी, एंड गाइस वॉच आपको काफी अच्छी तरह से बिल्ट भी मिलती है। इवन जो दो थिकनेस है वो अंडर 10 mm है। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करते हैं कि क्या आपको वॉच में मिलेगा, तो आप जस्ट वॉच को देखेंगे तो एक काफी अच्छा डिस्प्ले है विद 2.5D कर्व ग्लास यहाँ पे दिखता है। एक 1.69 इंच का डिस्प्ले दिया गया। राइट साइड में सिंगल बटन है, जो कि आपका होम बटन की तरह वर्क करेगा। देन पॉलीकार्बोनेट ये बिल्ट है, एंड आपको स्ट्रैप मिलते हैं सिलिकॉन के, जो आप चेंज भी कर सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रैप की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी दी गई, बट इतना स्मूथ नहीं है, थोड़ा हार्ड है फील होगा। नीचे की तरफ आप जब देखेंगे तो वॉच में आपको मिलते हैं सेंसर्स, एंड सेंसर के साथ आपको चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे वाला जो फिनिश है वो है आपका मैट फिनिश। देन अगेन स्ट्रैप पे आते हैं तो आपको यहाँ पे 2 बकल मिल जाते हैं, एंड ऊपर जो पोर्शन है वहां पे फायरबोल्ट की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी, जो एक नॉर्मल फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉच में देखने के लिए मिल जाती है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज काफी अमेजिंग ये स्मार्ट वॉच आपको मिलती है, विद लेस थिकनेस, एंड ओन हैंड पे जो फीलिंग होगी वो भी काफी मजेदार होगी। बट मैं इस वॉच को प्रेफर करूंगा फॉर अडल्ट ओनली, लाइक नॉट फॉर किड। वॉच दिखने में ठीक है, बट स्टिल बड़ी है बच्चों वगैरह के लिए, एंड जो सिलिकॉन की क्वालिटी है ना वो भी काफी डिसेंट है, तो हाथ में रेसेस वगैरह नहीं आएंगे। मूव करते हैं डिस्प्ले वाइज, तो आपको एक 2.5D कर्व ग्लास यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपको हल्का सा कर्व दिखेगा साइड से, एंड टच करने में काफी मजा आएगा। ये है 1.69 इंचेस का एक डिस्प्ले, जो कि 240x280 के रेजोल्यूशन के साथ आता है, एंड आउटडोर ब्राइटनेस वाइज कोई भी कमेंट नहीं है ऑफिशियली, बट समवेयर अराउंड 350 to 400 nits के अराउंड ब्राइटनेस मिल जाते हैं, जो इवन आउटडोर नॉर्मल आई से विजिबल है। देन आपको रेस टू वेक का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप सिंपली इसको यूज कर सकते हैं, एंड रेस टू वेक मैंने ट्राई आउट किया है, 9 टाइम वर्क करता है आउट ऑफ 10, जो कि काफी बड़ा नंबर हो जाता है। यूजर इंटरफेस वाइज कोई भी चेंजेस नहीं है फायरबोल्ट की एक नॉर्मल वॉच से, आपको सिमिलर काइंड ऑफ यूआई मिलता है, बट एक जो फीचर है यहाँ पे ऐड एलिमेंट करके आता था या ऐड विजिट करके आता था वो मिसिंग है, वो आपको नहीं मिलेगा। लेफ्ट से राइट स्वैप करेंगे तो आपको बेसिकली मेन्यू मिल जाएगा, एंड आपको 2 टाइप का मेन्यू दिया गया है, आप इवन हनीकॉम यूज कर सकते हैं, एंड नीचे से स्वैप करेंगे तो आपको लिस्ट वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। मुझे वॉच में कहीं भी कोई भी लैग नहीं लगा फर्स्ट इंप्रेशन में, एंड वॉच कुल मिला के काफी अच्छी तरह से वर्क कर रही थी। उसके बाद मेन्यू स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो वो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अगर आपको अपनी वॉच कनेक्ट करनी है आपके स्मार्टफोन के साथ फर्स्ट टाइम, तो आपको दाफ फिट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, एंड वॉच आपको बेसिकली वहां पर दिख जाएगी। पेयरिंग काफी इजी थी, सिंपल थी, एंड जस्ट सिंगल क्लिक से आपकी वॉच पेयर हो जाएगी आपके स्मार्टफोन के साथ। फीचर फंक्शन वाइज वॉच क्या क्या फीचर आपके लिए लेके आते हैं, तो हेल्थ सेंसर वाइज पहले बात कर लेते हैं। हेल्थ सेंसर क्या है, आपको 2 हेल्थ सेंसर मिलते हैं, उसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पे वुमेन हेल्थ एंड ब्रीथ कंट्रोल का ऑप्शन, तो आप कुल मिला के 4 हेल्थ सेंसर यहाँ पे मान सकते हैं। हार्ट रेट SpO2 दोनों की एक्यूरेसी मैंने चेकआउट किया, एंड एक्यूरेसी वाइज दोनों आपको काफी बढ़िया देता है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे जो हार्ट रेट की एक्यूरेसी है वो नियर टू सेम है ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर में ड्रास्टिकली चेंज हो रहा था, लाइक काफी ज्यादा चेंज हो रहा था, बट वो जब का स्लाइटली वो चेंज कर देते हैं, एंड ट्राई कर देती ऑक्सीमीटर से मैच करने की एंड एक्चुअल डेटा देने की। उसके अलावा आपको 24/7 हार्ट रेट में मिलता है, जो आप इंटरवल सेट कर सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट एंड आधा घंटा, जिससे कि आपको ओवरऑल डे का यहाँ पे हार्ट रेट मिल जाए आपकी एप्लीकेशन में। उसके बाद सेकंड सेंसर जो था वो SpO2 था, एंड SpO2 की एक्यूरेसी भी मुझे कुल मिला के डिसेंट लगी, एंड जो डेटा था वो भी मेरे को ठीक ठाक लगा, 97 एंड 98, तो एक जो है पॉइंट का वो डिफरेंस था। फेक सेंसर वाइज बात कर लेते हैं, तो फेक सेंसर अगर आप टेबल पर रखेंगे तो कोई भी फेक सेंसर नहीं है, बट हाँ कोई भी नॉन लिविंग थिंग पे आप ये टेस्ट आउट करते हैं, जैसे कि मैंने टेस्ट किया प्लांट पे, तो फेक सेंसर यहाँ पे निकल के आ रहे थे, एंड डेफिनेटली यार वो वहाँ पे फेक सेंसर कैच हो रहे थे। बट दिक्कत ये है कि आप इसको नॉर्मली अगर यूज करेंगे आपके हैंड पे, तो आपको डेटा वगैरह सही मिल जाएगा, एंड टेबल पे आपको कोई भी डेटा नहीं मिलेगा, तो वो आप मान सकते हैं ठीक ठाक है। रही बात अदर
सेंसर की एक्यूरेसी, जैसे कि आपका पेडोमीटर हो गया, स्लीप हो गया, स्लीप तो मैंने टेस्ट आउट नहीं किया, हाँ पेडोमीटर टेस्ट आउट किया है। तो मैंने जो स्टेप चले वो करीबन चले 150, एंड 150 दिखा भी रहा था, बट उसके बाद आई डोंट नो कि कैसे वो 290 पे पहुंच गया, इवन तो मैंने कोई भी स्टेप नहीं चले। तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है स्टेप मॉनिटरिंग के साथ, एंड मे बी वो फिक्स हो सकती है विद सम ओल्ड अपडेट। बात करते हैं ब्रेन सेंसर की ओर, या मैं बोलूँ इनहेल एक्सहेल, जो भी सेंसर आप नाम देना चाहें इसको, तो कोई भी कस्टमाइजेशन की ऑप्शन नहीं है कि एक मिनट तीन मिनट करना है। तो आपको बाय डिफॉल्ट 8 का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, एंड वही आपको फॉलो करना होता है। अगर आप मिडल में स्टॉप करना चाहते हैं तो वो चीज आप कर सकते हैं। देन एक्स्ट्रा फीचर में आपको मिलता है यहाँ पे फ्लैश लाइट का ऑप्शन भी, जो आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं, बट इतना ब्राइटनेस आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। वेदर अपडेट का भी ऑप्शन है, जहां पे आपको 2 से 3 दिन का वेदर अपडेट को एडिशनल मिल जाता है, एंड वो से सिंक होने के बाद आपका बेसिकली वेदर अपडेट वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। कुछ फीचर मिसिंग लगे मेरे को यहाँ पे, जैसे कि वो से आप जो है रेस्ट टू वेक ऑप्शन कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड इवन दो कितने टाइम तक आपको स्क्रीन अवेक रखनी है वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता। उसके लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा, एंड वहां से सेट करना पड़ेगा। अगर नोटिफिकेशन वाइज बात करो तो मोस्टली जो पॉपुलर आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ऑल दैट, तो उनकी नोटिफिकेशन आपको वॉच में मिल जाएगी, एंड वो आप चेक भी कर सकते हैं। बट मैसेज लेंथ कुल मिला के इतनी बड़ी नहीं है, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगी कहाँ से क्या मैसेज आया है। देन अगर बात करूँ इमोजी वगैरह की, तो इमोजी ये सपोर्ट नहीं करती, व्हाट्सएप पे आपको नॉर्मल मैसेज दिख जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग, तो कॉलिंग वॉच नहीं है, आपको जस्ट कॉल डिस्कनेक्ट एंड म्यूट करने का ऑप्शन मिलेगा, जो आप बेसिकली आपकी स्मार्ट वॉच से कर सकते हैं, एंड जो नंबर वगैरह सेव है वो आपको नेम यहाँ पे दिख जाएगा। देन आपको दिया गया एक म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन, जहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल नहीं है, सिर्फ म्यूजिक को प्ले पॉज या नेक्स्ट ये प्रीवियस सब कर सकते हैं, एंड कुल मिला के जो वर्क है वो डिसेंट वे वर्क करता है म्यूजिक कंट्रोल के, इवन तो आपको कैमरा कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वॉच का, वो हमने अब तक डिस्कस नहीं किया, वो है इसके नंबर ऑफ स्पोर्ट मोड। तो आपको यहाँ पे दिए गए हैं 60 स्पोर्ट मोड विद डेडिकेटेड स्विमिंग मोड, एंड वॉच आपकी सपोर्ट करती है IP68, तो इवन तो आप इसको स्विमिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कुल मिला के वॉच आपकी डिसेंट है, काफी अच्छे तरह से वर्क करती है। अगर फायरबोल्ट डेजल की चार्जिंग टाइम बैटरी बैकअप के बारे में बात करूँ, तो 2 घंटे की चार्जिंग के साथ ही आती है स्मार्ट वॉच, एंड आपको मिलता है 5 to 7 का एक नॉर्मल बैटरी बैकअप, बट डिपेंड करता है आपके यूजेस पे, आपकी स्टेप से यूज करते हैं। मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड 24 आवर हार्ट रेट के साथ जो बैटरी कंजप्शन है वो काफी ज्यादा होगा, तो आप वहां पे 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ वॉच फेसेस वाइज बात करूँ, तो आपको यहाँ पे 100+ वॉच फेसेस मिल जाते हैं। आप वॉच फेस कस्टमाइज भी कर सकते हैं, एंड अगर आपको वॉच फेस चेंज करने, नॉर्मली आपको वॉच पे क्लिक करके लाइक लॉन्ग प्रेस होम स्क्रीन पे, एंड वॉच फेस वहां से चेंज कर सकते हैं। कुल मिला के वॉच फेस आपको ठीक ठाक मिल जाता है, बट स्टिल कोई पसंद नहीं है तो आप जाके इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, अभी तक जो भी फीचर फंक्शन हमने डिस्कस किए, तो उसके अकॉर्डिंग वॉच काफी अच्छे, वेरी वेल बिल्ट है, बिल्ड क्वालिटी वाइज कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं है। देन वॉच का यूजर इंटरफेस हो या आपका यूजर एक्सपीरियंस हो, वो भी आपको कुल मिला के काफी अच्छा दिया। Then, जो सेंसर दिए गए वो नॉर्मली वर्क करते हैं, बट हाँ आप फेक सेंसर कहना चाहें तो वो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं ब्रांड की साइड नहीं हूं, मैं आप लोग की साइड हूं इस वीडियो में। उसके अलावा गाइज आपको यूजर इंटरफेस कुल मिला के काफी अच्छा मिल जाता है, सेंसर भी आपको डिसेंट दिए गए, नंबर ऑफ स्पोर्ट मोड भी है, कुछ ड्रॉबैक भी है जो कि मैंने कवर किया है, जैसे कि आपको वॉच में चीजें कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, डिफरेंट फीचर फंक्शंस यहाँ पे इतने ज्यादा नहीं दिए गए, एंड ब्रांड को थोड़ा सा वॉच को कस्टमाइज करना था, जिससे कि आप एटलीस्ट स्क्रीन ब्राइटनेस या स्क्रीन ऑन टाइम एंड रेस्ट टू वेक ऑप्शन या DND जैसे ऑप्शन आप अपनी वॉच से ही कंट्रोल कर पाए। तो गाइज अगर आप एक 2000 रुपीज के बिलो वॉच परचेज करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली यार फायरबोल्ट की ये लेटेस्ट स्मार्ट वॉच पे जा सकते हैं, जो कि बेटर है नेपच्यून वगैरह से। तो मेरा तो बस यही ख्याल है, आप मेरे को आपकी ख्याल बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट ड्रॉप कीजिए। अगर अभी तक वीडियो पे बने हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।